तो जी ये आया है हमारा गिफ्ट। बर्थडे तो हमारी बहुत पहले गुजर चुकी है, पर बर्थडे सेलिब्रेशन तो कभी भी हो सकता है। मेरी जिंदगी में मेरे दो ही लोग इम्पोर्टेंट हैं सबसे ज्यादा, उसके बाद भी बहुत से लोग आते हैं पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए सिर्फ दो ही लोग हैं। एक तो मेरी कजन है, दूसरे मेरी बेस्ट फ्रेंड। ये आया है गिफ्ट मेरी बेस्ट फ्रेंड की तरफ से। अब तो उसकी शादी हो चुकी है पर अभी तक माशाल्लाह माशाल्लाह वो मुझे नहीं भूली, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम उसके गिफ्ट की करने लगी हैं अनबॉक्सिंग। मेरी बर्थडे थी 19 फरवरी को, गिफ्ट हमें कुछ दिन बाद रिसीव हो गया था पर वीडियो बनने में इतना टाइम लग गया कि टाइम ही नहीं मिला। ये है जी माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा गिफ्ट। अब इस पैकेट को हम रख देते हैं साइड पे, इसका अब कोई काम नहीं है। अब हम अपने गिफ्ट को ओपन करेंगे। ये हैप्पी बर्थडे टू यू, आई लव यू, आगे मेरा नाम है, उसको बंद कर देते हैं। और ये इसको खोलते हैं ऐसे ऐसे ही शायद। वाओ दिस इज माई मोस्ट फेवरेट गजरे। आर्टिफिशियल है पर कोई बात नहीं, किसी दिन असली पहनाने वाला भी मिलेगा जरूर। उसके बाद ये हमारा उसके बाद ये है कुछ कार्ड्स, इतना सब कुछ लिख दिया, कितना टाइम लगाया है। ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना कुछ लिख दिया। इसको पढ़ने में मुझे रात लगेगी पर अब हम इसको अभी पढ़ेंगे। माशाल्लाह ऐसे गिफ्ट मुझे कम ही मिलते हैं, कम क्या बहुत ज्यादा कम मिलते हैं। वाओ ओपन करें। अब फैशन डिजाइनर के पास कपड़ा आया है तो वो उसकी कोई यूनिक चीज ही सोचेगा। पोस्टर में तो इसकी लड़की ने कमीज पहनी हुई है पर हम इसको कैसे डिजाइन करेंगे ये तो अब हम सर्दियों में देखेंगे क्योंकि ये सर्दियों का सूट है। तो अब इनको रख देते हैं हम साइड पे। अब हम आते हैं अपने लेटर्स की तरफ। कुछ ऐसा वैसा ना हो इसमें, ये तो नहीं मुझे पता कि इसमें क्या है, पर फिर भी जो अगर कोई ऐसी बात हुई तो हम उसमें डैश लगा देंगे। ओके डियर बेस्ट फ्रेंड, यू आर मोर स्पेशल टू मी देन माई बायोलॉजिकल सिस्टर। गॉड हैज सेंड यू टू द वर्ल्ड टू बी माई बेस्ट फ्रेंड। यू आर इन पता नहीं क्या लिखा हुआ है, समझ नहीं आ रही। पार्ट ऑफ माई एग्जिस्टेंस, आई एम लाइक अ बॉडी विदाउट सोल विदाउट यू माई अलीबा। अलीबा वो मुझे प्यार से कहती है। अ लिटल एफर्ट फॉर मेकिंग यू हैप्पी माई सोलमेट। हम एक दूसरे को सोलमेट कहते हैं, हमारे नंबर्स भी कॉन्टेक्ट भी हर एक चीज सोलमेट के नाम से ही सेफ है। तो अब पार्ट वन पे आते हैं। उसने पेज वन पेज टू भी लिखे, मैं ऐसे ही पढ़ लेती गिनने की क्या जरूरत थी। इसमें पार्ट 9 और ये 10वां पेज। अब हम इसको पढ़ेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर माई अलीबा, हैप्पी बर्थडे टू यू। आई नो यू आर आई नो यार आई एम लेट बट आई नाउ इसकी क्या जरूरत थी। लेट आए गिफ्ट, लेट आए जल्दी आए मेरे लिए बस खुशी की बात है। बट आई नो यू ऑल्सो नो हाउ मच आई लव यू। यस मुझे पता है कि आप मुझसे कितना प्यार करती हैं। एंड आई स्वेयर दैट्स इनफ फॉर मी। सो टिल 2018 नाउ इट्स 2003 एंड आई एम स्टिल इन लव विद द सेम पर्सन। आई एम सो हैप्पी टू हैव यू, यू आर अ ब्लेसिंग, यू आर अ जेम। इतनी तारीफें मेरी खजम ही ना हो मुझे। इसमें है यू आर अ जेम, इतनी तारीफें मेरे लिए बहुत है। दीज ऑल लाइन्स आर सो ओल्ड बट माई लव फॉर यू इट्स ऑलवेज रिमेन सेम। यार पता है किसी को, अच्छा इसकी इंग्लिश भी यहाँ पे खत्म हो गई। अब आगे से हम आ जाते हैं अपनी उर्दू वाली लाइन्स पे। ये तो सबको पता है इंग्लिश एक जगह पे खत्म हो ही जाती है। आगे है यार पता है किसी को क्या कहना है जब मुझे खुद को यकीन नहीं होता कि LCWU मेरा कॉलेज, LCWU के बाद भी कोई इतनी अच्छी चीज़ कह सकते हैं। इतनी पॉजिटिव, इतनी पाक, इतनी नाजुक और इतनी सेंसिटिव बेस्ट फ्रेंड मिल सकती है उस LC जैसे फजूल जगह से। अब जहाँ से हम पढ़े हों, जो स्कूल हो हमारा, उसको तो हम हमेशा फजूल ही कहते हैं। चाहे वो जितना मर्जी अच्छा हो, जितनी अच्छी यादें हों, जितने अच्छे नंबर आए हों, जितना अच्छा उन्होंने पढ़ाया हो, पर फिर भी जो हमने देख लिया होता है वो हमारे लिए फजूल ही होता है। ओके कहने को मेरे पास
बहुत फ्रेंड्स है, हद से ज्यादा है, इवन वो तो बेस्ट फ्रेंड भी हैं, पर आई रियली डोंट नो कि हर अच्छे बुरे टाइम में सबसे पहले तेरा ख्याल क्यों आता है। थैंक यू थैंक यू। मैं उस टाइम कुछ सोचे बगैर बस तेरे पास भागती हूँ, ऐसे कसम से डैश के साथ भी नहीं होता यार, मुझे अब उससे भी फील होता है कि वो मुझसे तंग आ जाएगी, बोर हो जाएगी मेरे साथ रह के। तेरे साथ पता नहीं राइटिंग इसकी कुछ ऐसी मुझे समझ नहीं आ रही, और मैंने पहले पढ़ा भी नहीं हुआ कि मैं एक फ्लो में बोल सकूँ, पता नहीं क्या है। और तेरे साथ ऐसा सोचती भी नहीं, इवन ऐसा सोच आती भी नहीं। टू बी ऑनेस्ट अलीबम, मैंने कभी तुझे वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जो तू डिजर्व करती है। चलो एहसास हुआ दे आई दुरुस्त आई, आई स्वेयर मुझे अब एहसास हुआ है वो सब चीज़ें, वो सब लोग, वो सब शौक, सब कुछ टेम्परेरी था सब। ये पता नहीं क्या है, राइटिंग ही समझ जा रही, सारी वीडियो ख़राब हो रही है। सबके पीछे थी मैं, सबके पीछे थी और तुझे लॉन्ग डिस्टेंस बोलती थी, पर इस सबके बाद भी कितने रह गए अभी तीसरे पेज पे हम, पर इस सबके बाद भी तेरे प्यार में, तेरी दोस्ती में, तेरे बॉन्ड में कभी कभी भी कोई तेरा पता नहीं क्या है, मैं अपनी तरफ से मैं आती कोई कमी नहीं आई, बल्कि तुमने कभी कोई तीसरा आने ही नहीं दिया। वही तीसरा था, कभी कोई तीसरा आने ही नहीं दिया। लिशबा अल्लाह की कसम, मैंने बहुत खुशकिस्मत, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि तू मेरी है हमेशा से। मैंने नहीं, ठीक है, मैंने नहीं की कदर, उल्टे उल्टे लाइन नहीं शेर व शायरी वाली, मैंने नहीं की कदर, बंदा ये लिख देता मैंने कदर नहीं की, मैंने नहीं की कदर, मैंने बिल्कुल भी नहीं की। मैं उन सबके साथ भी, मैं उनके सबके साथ रही जो मेरे साथ मौजूद थे, पर आई डिडंट रियलाइज कि तू मौजूद ना हो के भी हमेशा मेरे साथ है, अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाती है, और ये हर कोई नहीं करता। मुझे पता है मैं बहुत अच्छी हूँ, बल्कि कोई भी नहीं करता, मैं खुद नहीं कर सकती। हम दोनों की दोस्ती में, इनफैक्ट ये दोस्ती आज जो 2018 से 2023 तक आई है तेरी वजह से आई है बस, और तू ये जानती है। हाँ मैं जानती हूँ मैं बहुत अच्छी हूँ, ऐसे कहने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा तरीके करो फिर मैं शौकी हो जाती हूँ, मुझे शौका मत कर। अलिशबा ऑल आई वॉन्ट टू से राइट नाउ बट इट्स जस्ट थैंक यू, वेलकम, थैंक यू कहने की जरूरत नहीं, थैंक यू सो मच फॉर एवरी लिटल एफर्ट, एवरी गिफ्ट, एवरी एक्साइटमेंट, एवरी नाइट, एवरी डे एंड एवरी सेकेंड और दीज 5 ईयर्स। माशाल्लाह भी बोलना साथ मुझे लग जाती है, हर रोज़ बार बार मुझे इतना प्यार करते रहने के लिए, मुझे हर टाइम फील हो के तुम मेरे पास हो। मुझे नहीं पता यार, किसी का जो सब कहते हैं शादी के बाद बदल जाता है सब, ये पोस्ट सब, ये दोस्तियाँ ये वगैरह, पर मुझे भी तेरे पता नहीं क्या है, मुझे भी तेरे स्टॉप कर देते वीडियो, पर मुझे भी तेरे वाले ही हर जगह थे, पता नहीं क्या आ रही था, मुझे समझ नहीं आ रही कि हाँ सब ठीक है, हाँ इल्हामात थे। मैंने कहा था शादी के बाद सब बदल जाता है, पर उसने कहा नहीं बदलता, पर उस वो कह रही है कि मुझे भी इल्हामात थे, सब ठीक कहते हैं सब बदल जाता है, देखा मैंने कहा था ना। मुझे नहीं पता मैं ये सब क्यों दिख रही हूँ, पर अब जस्ट मी अलीबा, मुझे बाय, क्यों बाय नहीं कहना बाय। अब ये क्या लिखा है ये नहीं समझ आ रहा मुझे, निभाना है, हाँ मुझे अब निभाना है हर सूरत, इंशाल्लाह। मुझे बहुत लेट समझ आई कसम से, बट नाउ आई नो कि कौन कब तक साथ है और कौन कितना सगा है, मैं सगी हूँ मुझे पता। और सबसे इम्पोर्टेंट कि मुझे अब किस के साथ निभानी है। अच्छा फिर अपनी सारी दोस्तों को छोड़ दो, बस मेरे साथ निभा लो सब, बस बिकॉज सब ठीक कहते हैं शादी के बाद ये सब वगैरह नहीं रख सकते, क्यों नहीं रख सकते, सब दोस्तियाँ रख सकते हम, पर इसमें मेरी गलती है कि मैं लेट समझी, तो इसको अब
पहले की तरह लिखिए। मुझे इसकी राइटिंग बिल्कुल समझ नहीं आ रही। अब मैं सोच रही थोड़ी प्रेप करनी चाहिए थी, पहले एक दफा ये सब कुछ पढ़ना चाहिए था। अब पहले की तरह लेके रहना है, नहीं अब पहले की तरह लेके चलना चाहिए। इसका सी समझ नहीं आ रहा, राइटिंग बहुत खराब है तुम्हारी, इम्प्रूव करो। पहले की तरह लेकर चलना भी मेरा फर्ज है, और अब तो बेफिक्र हो जा, अब इस दोस्ती को हमेशा एंड तक ऐसे ही रखना है और ऐसे ही एंड तक साथ रहना है। कोई भी सिचुएशन हो अब मेरी जिम्मेदारी है। ओके, अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाया, और ये बस अभी स्टार्ट है, अभी स्टार्ट है, 6 साल हो गए अभी स्टार्ट है। अच्छा, क्योंकि अब मुझे बस तुझे अपने सबसे ज़्यादा पास रखना है, तुझे मुझे नहीं, तुझे ये सब कैसे लिख रही है, तुझे ये सब पढ़ते हुए कैसा लगता पता नहीं, तुझे ये सब पढ़ते हुए कैसा लगता, समझ भी आता कि नहीं आता। हाँ सर, सच्ची मुझे समझ नहीं आ रहा, पर मुझे इतना पता है कि तू इमोशनल हो जाना है। वो मैं बाद में चैट में डिस्कस करूँगी मैं कितनी इमोशनल हूँ, अभी यूट्यूब की वीडियो चल रही है। ये जो हमें मिले हैं इतने मेरी शादी के दिनों में, उस एक एक दिन में इतनी मोमेंट्स बन गई हैं, आगे क्या है मेरी समझ नहीं आ रही, इतने सालों में नहीं थी। और एक फ़ायदा भी है बहुत बड़ा, वो क्या फ़ायदा है मुझे बताओ। अब मेरे पास तेरी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या चीज़ें हैं मैं समझ नहीं आ रही। ब्राइडल शावर का ड्रेस, ओ हाँ आपको बताते चले, इसके ब्राइडल शावर का ड्रेस मैंने डिज़ाइन किया था। अगर आप लोगों ने मेरी चैनल पर नहीं देखा तो एक आइस ब्लू कलर का ड्रेस है, वो इसका ब्राइडल शावर है, वो ये है, और वो मैंने डिज़ाइन किया था। अच्छा, अपनी पब्लिसिटी पीछे रखते हैं, अब नोट पे आते हैं। वो डार्क ब्लू लैम्प, अच्छा अभी तक मुझे नहीं पता, शादी का गिफ्ट। अच्छा, चूड़ियाँ, बास्केट, तेरा निकाह मुबारक का बनाया कार्ड, ये सारे वो गिफ्ट हैं छोटे मोटे से। अच्छा, तेरा मुझे तैयार करना, इसके ब्राइडल शावर पे इसका ड्रेस भी मैंने बनाया था, उसको तैयार भी मैंने किया था। तेरा मेरा साथ गाड़ी में जाना, और सबसे ज़्यादा तेरी प्रेजेंस, और तेरा वो पागलों वाला प्यार, पागलों वाला थी सच्चा वाला करती हुए, वो पॉजिटिव वाला प्यार, वो जो मुझे फील करके लगता कि इसकी बात सुन के सुकून हो जाएगा। हाँ देखा, बाद में सांस होता लोगों को, ये मुझे गलत बात, ये क्या है, ये मुझे गलत बात कभी भी बोलेगी, हाँ ये मुझे कभी बात गलत बात कभी बोलेगी, ये मेरा गलत फ़ायदा नहीं सोचेगी, सोचना भी नहीं चाहिए, और सबसे कुछ बोले बगैर भी ठंड पड़ जाएगी। ये इतने अच्छे कॉम्प्लीमेंट, अब पता नहीं मेरे पास इतने लोग होते हैं फिर भी कभी कभी तो उस लेवल का जेलस नहीं होती, मैं जेलस क्यों उस लेवल का तेरी उस, पता नहीं क्या लिखा हुआ है इसने, ममता से हो जाती पता लिखा, इसको हम डैश में फिल कर देते हैं जो भी लिखा हुआ है, वो मैं उससे प्राइवेटली मैसेजेस से पूछ लेंगी। और ये बहुत गंदी बात है, अच्छा क्या थी जो मुझे समझ ही नहीं आई, इतनी गंदी बात थी, जेलस नहीं होती मैं उस लेवल का, मैं तेरी और इकलौती पता नहीं क्या है, अच्छा जेलसी का ही कुछ है, उसकी भी बेसिकली बेस्ट फ्रेंड थी पहले, अब मेरी कोई नहीं थी, मेरी एक कज़न ही है जिसके साथ मैं ज़्यादा फिरती हूँ, उसको वो भी नहीं पसंद, चलो छोड़, अब से जेलस होना बंद, वादा यार, बाकी बस बहुत सारी दुआएं हैं, दे दो मुझे दुआओं की बहुत ज़रूरत है, अब के तेरी हर ख्वाहिश पूरी हो इंशाल्लाह, आमीन, तेरी हर तलब तुझे मिले, तेरी ये क्या अब झोली में अल्लाह पाक इतनी खुशियां डाल दे, आमीन सुम आमीन, कि तू सब बुरा भूल जाए, इतना कुछ बुरा हुआ नहीं अल्लाह का शुक्र, तेरा मेरा रिश्ता इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए इंशाल्लाह, इतना ना कमज़ोर हो सके, कभी कमज़ोर ना हो सके, और ये सब अकेले पढ़ना सबको ना बताना, मैं तो पूरी यूट्यूब फैमिली के साथ बता रही हूँ, वो कह रही अकेले पढ़ना,
नहीं है, मैं सबके साथ शेयर करूंगी। अच्छा आगे वाली बात शायद अकेले पढ़नी है, पता नहीं, बात किसी ने समझाना नहीं, अच्छा किसी ने समझना नहीं और पता नहीं क्या है, पुरसा सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। नहीं उड़ाता कोई मजाक, फीलिंग होती है, फीलिंग का मजाक कभी भी नहीं उड़ाना चाहिए। और बेस्ट फ्रेंड्स तो होती है अलग लेवल की है, उनकी फीलिंग्स ना आप एक्सप्रेस कर सकते हो ना किसी को बता सकते हो, और तेरा भी उड़ाएंगे। नहीं नहीं मेरा मजाक कोई भी उड़ाता, उड़ाए भी तो मुझे कोई तक फर्क नहीं पड़ता, क्या कह लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा ये बहुत लंबा हो गया है, कब से सोच रही, अभी इतना कुछ सोचा था जो इधर नहीं लिख सकी, इतना कुछ लिख रहे हैं, 9 पेज भर रही हैं, अभी भी कुछ रहता था, कोई बात नहीं, इसलिए बस यही एंड रख लेंगे, एंड शुक्र है एंड हुआ मेरी बात कह रही एंड हुआ। खैर बस अब आई होप तू दिल से पढ़ेगी, मैंने बहुत दिल डाल के पढ़ा इसके बाद, ये वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद एक दफ़ा और दिल से पढ़ेगी, रब तो ये मेरे पास ही है कि जब जब याद आएगी बस इसको खोल के पढ़ते जाओ, तुझे भी वो सब फील होगा जो मुझे होता है, मुझे पहले शुरू से होता है, तुम्हें अपने बेस्ट फ्रेंड का टाइम नहीं था, वरना मुझे तो बहुत शुरू से फील होता है कि यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई सोलमेट, हो रहा जो तुझे उठ के, हाँ हो रहा था, अभी भी कुछ होगा जो नहीं लिख सकी, बहुत कुछ है, हमारी बातें तो ख़त्म ही नहीं होती, बाकी बातों को वर्ड्स की ज़रूरत नहीं, मुझे पता है मुझे वर्ड्स की ज़रूरत नहीं, आई नो तुम मुझसे मेरे से ज़्यादा समझती है, हाँ मैं समझती हूँ, आई एम सो लकी, नो डाउट, बस हमेशा मेरे साथ रहे, मेरे पास रहे, और कुछ गलत बोला हो तो बर्दाश्त कर ले, नहीं कुछ गलत बोला हो तो मैं मुझे बोल देती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा ओके मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, हाँ मुझे पता है कुछ भी बोल सकती हूँ, और आपने रुकना भी नहीं कुछ भी बोलने से, बस जल्दी बुटीक खोलो, इंशाल्लाह 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 ये मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे फॉलोवर्स बढ़ जाए, मेरा अभी ऑनलाइन काम तो चल रहा है, फैमिलीज में फ्रेंड्स में सोशल मीडिया पे भी चल जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह से पूरी उम्मीद है, फिर उसके बाद ज़रूर, और हैप्पी बना के मुझे लाइक में, पता नहीं क्या लाइक में दर्जन, आई हेट दिस वर्ड दर्जन, आई एम फैशन डिज़ाइनर तो मुझे फैशन डिज़ाइनर ही बोलो, मुझे इसको पता है मुझे दर्जन बोला, दर्जन बुलाना कितना वो लगता है, वैसे दर्जन और फैशन डिज़ाइनर का डिफरेंस भी है, दर्जन वो होता है जिसको आप कपड़े खुद स्टिच करने के लिए देते हो कि ये हमारा फैब्रिक है ये कर दो, और फैशन डिज़ाइनर वो होता है जो अपने डिज़ाइन आप लोग को इंट्रोड्यूस कराता है कि ये मेरा डिज़ाइन है, और वो अपना फैब्रिक लेता है, अपना सारा मटेरियल है, सिर्फ आपको अपने ओकेजन के हिसाब से उसमें से चूज करना होता है। अच्छा आई लव यू लेबा, योर फॉर एवर सोलमेट, एंड या दैट्स इट, ये हुआ हमारा नोट ख़त्म, और हमें चल गया है सांस, अब हम इसको करेंगे दोबारा पैक, एक दफ़ा गिफ्ट आ जाए तो दिल ही नहीं करता कि उसको ख़राब करके रखो, तो अब हम इसको इसके अंदर संभाल के रखेंगे, अभी हम इसको लेकर जा रहे हैं, एंड या दैट्स इट, बाय बाय, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें, bye bye, if you like the video don't forget to like and subscribe, bye bye, Allah Hafiz.